हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल जो आपको सर्च करना है लेटर कैपिटल में रखिएगा, वो है s.k.t.c.c में आपका स्वागत है। कैसे है? अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही है, बिंदास तरीके से, मस्त तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 12 की गणित डॉक्टर मनोहर रे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और पर्सनली पढ़ा रहा हूँ 2.b। आज मैं थोड़ा नए तरीके से पढ़ाऊंगा, टेक्निकल तरीके से जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज आपको फिनिश नहीं हो पा रही है। मैं आपको दो ही क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आज मैं बताऊंगा आपको 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन अनगिनत बताते चले जाऊंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मजा लेते रहिएगा, देखते रहिएगा, रिवाइज भी कीजिएगा, क्योंकि बगैर रिवीजन के आप लोगों को मैथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आपको अच्छे से आएगी। और आप लोग क्या यूट्यूब चैनल, अब आपको दिखाते हैं एक एक्सरसाइज, आपको दिखा चुके होंगे कई बार हमें, और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 15 नंबर तक बता दिए, तो आज बताऊंगा 16 नंबर। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप लोग देख लीजिए। ये देखिए 19, 16 के बाद ये लगा हुआ है 20, 21, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, आप लोग देखिएगा। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही मजा आ जाएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट मजा आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, सोल्यूशन में दिया हुआ है, मैंने किया हुआ है, देखिए इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। लिखा हुआ है यदि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर पाई बटे 2 है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। एक्स अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस का स्क्वायर बराबर 1 लिखा हुआ है। अब देखिए ये 1 लिखा हुआ है, इसको प्रूव करना है, इसको करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नंबर लिखा है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर पाई बाई 2, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला होता है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का, वो हम लगा सकते हैं। साइन वर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस का स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 रखा हुआ है, तो साइन वर्स किस तरफ लाएंगे, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का नाम होता है 90, 90 मान होता है 1, यही हमारा इक्वल टू मिलाना था। जो देखिए हमारा आंसर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही लगा सकते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है आप लोग दिखाते हैं, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साइन वर्स प्लस साइन वर्स रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2, कितना अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का ही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वर्स एक्स अंडर रूट एल एच ले लिया, वन माइनस हमारा क्या यह बार एक्स है तो अंडर वाई, वाई का स्क्वायर से मैंने कर्णी कट गई, प्लस वाई अंडर रूट एक्स, देखिये सेम सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा कर्णी का थम, इसका जे इसके बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारा एक साइन वर्स वन का मान होता है पाई बाई 2। देखिए एल एच एस बराबर हमारा आर एच एस, अतः हमारा प्रूव हो गया। जी देखिए सवाल हो गया, तो ये ऐसे हो गया सवाल, प्रश्न नंबर 1 और 2 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं, देखिएगा बहुत आसानी से तरीके से मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल तरीके से। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड बराबर पाई, तो सिद्ध करना है एक्स अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस का जेड स्क्वायर बराबर 2xy जेड आपको प्रूव करना है। तो पहले हमको क्या गिवन में दिया है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड, इसी को हमको चेंज करना है, मेन तो काम यही है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज चेंज की, देखा साइन वर्स एक्स बराबर माना, साइन वर्स एक्स बराबर अल्फा मान लिया, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा इस तरफ साइन वर्स इस तरफ आ जाएगा, तो कॉस साइन अल्फा बराबर यक्स आ जाएगा। फिर लिखा साइन वर्स वाई बराबर बीटा मान लिया, तो वाई बराबर आ जाएगा साइन बीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, लिखा हुआ है साइन इनवर्स जेड बराबर हो जाएगा गामा, तो जेड बराबर आ जाएगा साइन गामा। ये चीज हमने मानी है क्योंकि हमको थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। तो अब देखिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड की जगह पे हमने देखिए एल एच एस ले लिया, तो एल एच एस ले लिया एक्स अंडर रूट वन माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे मान रख दिया साइन अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन गामा वन माइनस का साइन स्क्वायर गामा। एक फार्मूला हमारे पास होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा, या आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बस इन्हीं को हमको चेंज करके मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी जगह पे रख दिया तो कर्णी कट गई, फिर ये रख दिया तो कर्णी कट गई, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर रख लेंगे कॉस स्क्वायर बीटा,
वर्मा साइन स्क्वायर गामा देख लेंगे, कॉस स्क्वायर गामा कर्णी काट दी। अब देखिए यहाँ पे कर्णी काटने के बाद हमको देखिए साइन गाल्फा कॉस गाल्फा प्लस साइन बिट्टा कॉस बिट्टा साइन गामा कॉस गामा मिल गया। इस पे हमने दो का गुणा कर लिया ऊपर नीचे, देखिए जो टू साइन अल्फा इंटू का कॉस अल्फा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस बी टू साइन एक्स इंटू साइन बी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन टू अल्फा साइन टू बिट्टा साइन टू गामा। अब देखिए ये हमारा एक प्रूविंग होती है, इसके साइन ए प्लस साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाऊंगा तो इसमें ये आपको प्रूविंग मिल जाएगी, इसके बराबर हम ये इतनी चीज लिख सकते हैं। इसी की हम आपको प्रूविंग भी करके दिखाएंगे वहां पे, यहाँ पर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतनी जी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे फोर साइन अल्फा साइन बिटा साइन गामा रख लेंगे, फोर से फोर कट जाएगा टू साइन अल्फा साइन बिटा आ जाएगा, और साइन अल्फा की जगह पे ऊपर हमने माना था यक्स साइन बीटा की जगह माना था वाई साइन गामा की जगह पे जेड, तो यही हमारा आर एच एस आ गया। अब ले सकते हैं था आर एच एस बराबर एल एच एस और एल एच एस बराबर हमारा आर एच एस, तो हेंस प्रूफ हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बहुत आसानी से, ये क्वेश्चन आपको सात नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, छह नंबर से तो कम का क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आ सकता है जो अभी आपको क्वेश्चन मैंने बताया है। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखा हुआ है फलन को निम्नतम रूप में लिखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये देखिए आपको मैं ऐसे सवाल करा चुका हूँ, कई बार कराया है, दो तीन बार मैंने ऐसे स्टेप बताई, एक दो स्टेप आगे पीछे हो सकती है लेकिन बताया ऐसा क्वेश्चन। इसमें से हमको कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद कॉस कॉस कट जाएगा, जी बचेगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स टेन एक्स, अब वन की जगह पर टेन पाई बाई फोर रख लेंगे, बस हमारा चला जाएगा। देखिए यही चीज हमने की है जो आपको बता रहे हैं, कॉस कॉस कॉमन लिया काटा, फिर देखिए काटने के बाद हमने वैल्यू रख ली, अगर एक से हमने कॉमन ली है तो दूसरे पे हम उसको भाग करेंगे, दूसरे पे अगर दिया नहीं है तो अगर दिया है तो वो चीज हमें कॉमन मिल जाएगी। अब इस वन की जगह पर रख लिया टेन पाई बाई फोर, ये बन गया टेन ए माइनस टेन बी बटी वन प्लस का टेन ए टेन बी का फार्मूला, यहाँ ले सकते हैं टेन से टेन हमारा कट जाएगा, काटने के बाद पाई बाई फोर प्लस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर ले सकते हैं पाई बाई फोर माइनस एक्स, यही हमारा आंसर, क्योंकि हमको लिमिट भी उसने दी थी माइनस पाई बाई फोर से हमारा क्या थ्री पाई बाई फोर तक ही हमको इसका मान निकालना है। तो यक्स का मान अगर हम एक पाई रखेंगे तो हमारा पाई तब भी माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का मान अगर हम दो रखेंगे तब भी माइनस का, तो ऐसे ही हम ऐसे मान इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान था 18 नंबर क्वेश्चन था। अब आपको बता रहे हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ तो क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने को मिल रहे हैं टेक्निकल तरीके से, जी अपना एक टेक्निकल मेथड है, बाकी सभी लोग बताते हैं क्या यहीं पे सॉल्व करना है, फिर आपको 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो बना रहा है उसमें क्वेश्चन बताएं आपको चार या पांच, तो वो चीज नहीं पढ़ना है आपको, नए तरीके से पढ़ना है, नई चीज नए उत्साह से पढ़िए, क्योंकि आजकल का जो जमाना है टेक्निकल जमाना है, तो आप लोग टेक्निकल तरीके से पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज बता रहा हूँ आपको, क्या एक बार जब लिखेंगे आप लोग कॉपी में नोट्स बनाएंगे फिर लिखेंगे फिर समझेंगे तो आपको सवाल वो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ साइन पाई बाई साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 1.2 साइन वर्स 3 बटे 4 वैल्यू आपको प्रूव करना है। तो गिवन में इतनी चीज दी हुई है हमको, वो हमें सवाल में दिया हुआ है, तो इसको हम देखिए इधर कॉस है तो इसको हमें क्या साइन साइन नहीं लाना, तो साइन साइन बना लेते हैं क्योंकि अंदर साइन दिया हुआ है, इसको बना सकते हैं पाई बाई टू प्लस का पाई साइन थीटा, क्योंकि साइन हमारा लिखा हुआ है 90, यहाँ पे माइनस का होना चाहिए था, हाँ ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस कॉस थीटा होता है, ठीक, तो यह आ जाएगा पाई बाई टू। अब देखिए इस तरह पाई पाई हमारे कट जाएंगे, कॉमन लेके भी काट सकते हैं, ऐसे भी हमने अलग अलग स्टेप की हुई है आपको देख सकते हैं। फिर अब आप देखिए इसके बराबर 1/2 आ गया तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे फोर लाना है, फोर हमारा ऐसे आएगा नहीं जब वर्क करेंगे, ठीक, तो वर्क कर दिया तो इसको वैल्यू जी हमारे इतनी इतना मान होता है एक साइंस का रीटा प्लस कॉस का रीटा मान होता है एक, अब पढ़े होंगे माइनस का टू, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1/4, इसको इस तरफ ले आएंगे तो जी आ जाएगा माइनस का, अब साइन टू रीटा 3/4 मिल गया, तो अब जी साइन किस तरफ साइन वर्स दो को परिवार मिला था जी, तो यही हमारा आंसर, तो लिख सकते हैं क्या हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड,
ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 19 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं आपको 10 मिनट के अंदर बता दिए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, क्या करना है ऐसे ही पढ़ना है आपको, ऐसे ही लगाना है मैथ आपको, ऐसे ही समझना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजा आएगा करने में। तो इस ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, और अगर ठीक है थोड़ा सा ब्लर आ जाता है क्योंकि जी देखिए अब देखिए कितना साफ दिखने लगा, उतने समय को थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है हो जाती है टेक्निकली, कुछ समय बाद आपके ये इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। समझ में जैसे ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग क्या कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि आप लोग को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहां से ही मिलेंगी, तो आप एसएमएस के थ्रू आप उससे पढ़ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, नए जोश नए उत्साह के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए।